हेलो ओम शांति फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ललिता मकर फ्रॉम मकर फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस क्लिनिक। आज मैं आपके साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको दिखाना चाहूँगी, जो आप जो है जो नॉर्मल लोग हैं वो भी करते रहें, और जिन लोगों को अगर माइल्ड सिम्टम्स कोविड के आ गए हैं वो लोग भी कर सकते हैं, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बनी रहेगी, आपका ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी का वो मेनटेन रहेगा, और आप जो है धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएंगे। और जो लोग ठीक हैं, जिन लोग को अभी कोई ऐसा कोविड के कोई साइंस नहीं आए हैं, वो लोग भी इस एक्सरसाइजेस को करते रहेंगे तो आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहेगा, और जो आपको हेल्दी रखने में आपको डेफिनेटली मदद करेगा। पहली एक्सरसाइज जो है वो बहुत लोग जानते हैं, वो उसको काफ़ी लोग प्राणायाम जो है वो करते भी होंगे, और मैं अभी आपको जो बता रही हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम अनुलोम विलोम क्रिया कहते हैं। आप कैसे करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद इन करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद आउट करेंगे। आप देख रहे हैं, थ्री थ्री टाइम्स आप ऐसे करेंगे। आप दोबारा से अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इन करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से आउट करेंगे। इसको अनुलोम विलोम क्रिया कहते हैं, जिससे आपकी ब्रीदिंग जो है आपकी मेंटेन रहती है, आपकी राइट नॉस्ट्रिल्स और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स दोनों ओपन अप हो जाती हैं, और आपका जो एयर वे है, ब्रीदिंग वे जो है वो क्लियर रहता है। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप देखिए, लंबी सांस लेनी है आपको नाक से और छोड़ना है मुख द्वारा। आप मेरे को अच्छी तरह से देखिए, दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेच आउट करके अपनी गर्दन के पीछे रखेंगे और फिर लंबी सांस लेंगे, और लंबी सांस लेने के बाद छोड़ने के टाइम आप एक साइड में ओब्लीक होकर के थोड़ा सा झुक करके ब्रीद आउट करेंगे। आप पहले मुझे देखिए, मैं जो लंबी सांस ले रही हूँ दोनों हाथ स्ट्रेच करके, आपने देखा, और वो गर्दन के पीछे रख करके, इससे जो है आपके लंग्स जो है वो फेफड़े पूरी तरह से खुल जाएंगे, और लंग्स के अंदर जो एक एक एरियोल्स है उसमें से भी उसमें हवा जो है वो भरेगी भी और बाहर भी जाएगी। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आप ऑपोजिट ओब्लीक साइड में जो है झुकेंगे और फिर ब्रीद इन करेंगे। इससे जो है आपका एक तो स्ट्रेच आउट हो जाएगा, लंग्स जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेच होंगे, और जितनी ऑक्सीजन हम भरना चाहते हैं, जितनी आप भर सकते हैं उतनी मैक्सिमम आप कोशिश करेंगे। और अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम आपके सामने एक बताना चाहते हैं, इसको स्पायरोमेट्री कहते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास या बहुत सारे आजकल ये बहुत पॉपुलर भी हो रहा है, क्योंकि ये आपकी कितनी आपकी लंग कैपेसिटी है, किस तरह से आप जो है ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन रहे, आपके लंग्स के एक्सपेंशन बनी रहे, आपका जो ब्रीद इन सांस लेना और सांस छोड़ना वो आपका जो है आपको ब्रेथलेसनेस ना हो, उससे पहले ही आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपनी लंग की कैपेसिटी को आप बढ़ाइए। आप देखिए, ब्रीद इन करिए पहले,
आप देख रहे हैं, आप हर एक एक्सरसाइज जो है वो 3-3 times अगर करते रहेंगे तो दिन में एक बार सुबह, एक बारी दोपहर को और एक बारी शाम को, तो आप अपने ऑक्सीजन लेवल को और अपनी लंग की कैपेसिटी को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। और एक जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं उसको हम डायफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं। आप ब्रीद इन करेंगे, आप अपने एक हाथ आप चेस्ट पर रखिए और एक हाथ आप अपने डायफ्राम पर रखिए, आप पेट के ऊपर, सबसे ऊपर जो है पेट के और लंग्स के बीच में, रिब्स के बिल्कुल एंड में और पेट के ऊपर जो है आप, आई थिंक यू कैन सी मी, यस यस दिस इज करेक्ट। ब्रीद इन करिए और फिर ब्रीद आउट करिए। इसको हम डायफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं। और जो नेक्स्ट हम आपको एक्सरसाइज में बता रही हूँ उसको हम बेली ब्रीदिंग कहते हैं। जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आपका जो टमी है वो पूरा फूलना चाहिए, पेट जो है आपका बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका वो पेट जो है वो अंदर जाना चाहिए। आई थिंक बेली ब्रीदिंग के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, क्योंकि ये जो बेली ब्रीदिंग है इससे आपका लंग्स पूरी तरह से हवा से भर जाते हैं और ऑक्सीजन पूरी लेवल में, हम कोशिश करते हैं कि हमारे लंग्स जो है पूरी तरह से एक्सपैंड करें और फुल ऑक्सीजन को हम ले पाएं। मैं आपके सामने दोबारा, दोनों हाथ जो है आप अपने टमी पे रखेंगे और ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे। आपका ब्रीद इन करेंगे तो आपका टमी जो है वो ऊपर होना चाहिए और जब ब्रीद आउट करते हैं तो टमी आपका अंदर होना चाहिए। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो गुब्बारा कैसे फूल जाता है, ऐसे ही आपका पेट भी फूले। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है बेली ब्रीदिंग। दोनों जो हाथ जो है आप अपने टमी पे रखेंगे और जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो जैसे गुब्बारा फूल जाता है, तो इस तरह से जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपको अनुभव होना चाहिए कि पेट आपका फूल रहा है, और जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। आप मुझे देखिए, इस तरह से हमने देखा कि कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स में हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो ये आप अगर आप रेगुलर करते रहेंगे, दिन में अगर 3 बार भी करते रहेंगे, 3-3 times एवरी एक्सरसाइज 3 times a day, तो जिससे जो है आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ी रहेगी, और आपके कोविड के कुछ माइल्ड सिम्टम्स भी अगर किसी को आ गए हैं तो उससे वो रिकवर करने में आपको बहुत मदद मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी नहीं। आई होप ये टिप्स आपको बहुत बहुत मदद करें। और जो नॉर्मल लोग हैं जिन लोगों को अभी कोविड नहीं हुआ है, वो लोग भी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर करते रहते हैं रेगुलरली तो डेफिनेटली ये आपको कारगर साबित होंगे, आपको मददगार साबित होंगे। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच।